हेलो गाइज, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए मैं आपको इस वीडियो से सिखाने जा रहा हूँ कि मोबाइल नंबर को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये जो सवाल है, आप में से किसी एक ने पूछा था मुझसे, उसका मैं वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में आप कुछ नया सीखोगे। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखी होंगी, उसमें काफ़ी सारे फंक्शन यूज किए हैं, उसी का हम यहाँ पर मिक्स यूज करेंगे, ठीक है। आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये मेरे पास डीलर नेम है, ठीक है। और आपको डिजायर आउटपुट ऐसा चाहिए, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि किस इसका आउटपुट कैसे आप ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं C2 पे मैं जाता हूं, सेम डेटा सेट मेरे पास है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर डिजायर आउटपुट, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच करते रहिएगा, जिससे कि आपको सीखने का मौका मिले, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे मिड। मिड में तीन आर्गुमेंट आती है, टेक्स्ट पूछ रहा है, सेम यही लेना है, ठीक है। स्टार्ट नंबर कह रहा है, स्टार्ट नंबर आप यहाँ पर मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर चाहिए, एक एक करके ऐसे याद करोगे नहीं, तो उसके लिए यहाँ पर आप डायनेमिक यूज करोगे। अब क्या यूज करोगे, सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे रो, ठीक है। अब रो बेसिकली क्या करता है, मैंने अपने वीडियोज में भी आपको बताया है, रो बेसिकली क्या करता है, जिस भी सेल का आप यहाँ पर रेफरेंस दोगे उसको बताएगा कि कौन सी रो पे है। यहाँ पर आप लेट सपोज 1:2 ये देते हैं, तो क्या बताया इसने, 1 और 2, ठीक है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं, F9 की प्रेस करते हैं, 1 और 2 बता दिया, ठीक है। कंट्रोल जी, लास्ट में आते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर 1 कर दीजिए, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले को सेलेक्ट करते हैं, F9 की प्रेस करते हैं, ऐसे आगे, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पर दिया है रो, आप ये बार बार मैनुअल नहीं चेंज करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर कुछ डायनेमिक यूज करना होगा, आपको कुछ लॉजिक लगाना होगा। और जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है उससे मिलता जुलता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पर एक काम करता हूं मैं, यहां पर आता हूं और रो के आगे आप लगा दीजिए इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट मैं क्यों यूज कर रहा हूं, ये इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर कोटेशन के साथ आप ओपन करोगे, देन 1 को आप क्लोज कर दोगे, जहां पर ये टेक्स्ट कैरेक्टर बन जाता है। अब ये एक्सेल आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो इनडायरेक्ट क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है नंबर में, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां पर इनडायरेक्ट यूज कर रहा हूं। ये जो फॉर्मूला है ये डायनेमिक बन जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट का काम हो गया, इसको जोड़ दीजिए लेंथ के साथ। अब लेंथ क्या करता है, जो भी आप यहां पर टेक्स्ट दोगे उसकी लेंथ बताओ, ठीक है। लेंथ का काम खत्म, इनडायरेक्ट का काम खत्म, रो का काम खत्म, ठीक है। स्टार्ट नंबर में क्या दोगे आप, जैसे मान लीजिए 1 देते आप, ठीक है। आप एक काम कर लीजिए, फॉर्मूले को सेलेक्ट कर लीजिए, देख लेते हैं, F9 की प्रेस करते हैं, ये देखे एस से लेके 5 तक, ये देखेगा एस से लेके और 5 तक, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज डायनेमिक बनता जा रहा है, ठीक है। इस फॉर्मूले को नीचे पेस्ट हो गए आप, तो ये बताएगा सी से लेके 1 तक, जितना कैरेक्टर उसमें होगा सेल में वो आपको डिस्प्ले करता जाएगा। कंट्रोल जी, ठीक है, इतना काम तो अब आपका हो गया, यानी कि 40% आपने काम कर दिया है। अब आपको आगे रिजल्ट चाहिए। अब ये कैसे करना है, देखो यहां पर जरा आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। लेट सपोज आप यहां पर इंटू 1 करते हो तो क्या आना चाहिए, फॉर्मूले को सेलेक्ट करते हैं, F9 की प्रेस करते हैं, ये देखेगा वैल्यू, जहां जहां पर टेक्स्ट था, यहां पर जहां जहां पर टेक्स्ट था उसने वैल्यू एरर दे दिया, और जहां जहां पर नंबर था उसने नंबर दे दिया है आपको, ये देखिए नंबर और नंबर, क्योंकि आपने यहां पर इंटू 1 लगाया है। तो आप सभी को मालूम है, अगर आप टेक्स्ट कैरेक्टर इंटू 1 करोगे तो वो एरर देगा, ठीक है। नंबर को उसने नंबर में ही दिया, कंट्रोल जी। अब सभी को मालूम है अगर वैल्यू एरर आता है उसको अगर आपने रिमूव करना है, उसके लिए क्या फॉर्मूला आप यूज करोगे, उसके लिए स्टार्टिंग में आप लगा दीजिएगा इफ एरर आपने लगाइए, लास्ट में आइए एरर है तो ब्लैंक। अब आप समझ गए, आप फॉर्मूले को सेलेक्ट करते हैं, F9 की प्रेस करते हैं, ये देखिएगा जहां जहां पर एरर आया उसने क्या कर दिया, ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया, और जहां जहां पर नंबर है उसने नंबर एज इट इज दे दिया, ठीक है। यहां पर आपने आप कुछ लॉजिक लगाना है, ठीक है। और आप सभी को मैंने बता रखा है, अब इसके बाद एक फंक्शन जो होता है टेक्स्ट ज्वाइन। अब टेक्स्ट ज्वाइन आप सभी को मालूम होगा 2016 एंड अबव वर्जन और 365 में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप वो यूज करोगे टेक्स्ट ज्वाइन। अब टेक्स्ट ज्वाइन के बारे में मैंने बताया है कि ये करता क्या है, यहां पर तीन आर्गुमेंट आता है। टेक्स्ट ज्वाइन बेसिकली क्या करता है, अगर A1 से लेके A10 तक आपके पास कुछ कैरेक्टर है या कुछ नंबर है, उन सबको कंबाइन करना है, तो आप मैनुअली भी कर सकते हो। अब मान लीजिए आपके पास लार्ज डेटा सेट है, उनको कंबाइन करना हो, तो टेक्स्ट ज्वाइन का आप यूज कर सकते हो, सारे के सारे एक साथ एक ही सेल में वो कंबाइंड हो जाएंगे, ठीक है। डिलिमिटर पूछ रहा है, तो डिलिमिटर में कोटेशन ओपन कोटेशन क्लोज, कुछ नहीं देना है हमें।
सेकेंड आर्गूमेंट कह रहा है इग्नोर इम्प्टी। ट्रू मतलब यानी इम्प्टी सेल जो भी होंगे उनको इग्नोर कर देगा, और फॉल्स मतलब उनको इंक्लूड करेगा। ठीक है, तो मैं ट्रू देता हूं। ठीक है, लास्ट जो पैरामीटर है टेक्स्ट, सेम एज इट इज रहने दीजिए जो आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, लास्ट में आ जाइए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, एक काम कर लीजिएगा, पूरे फॉर्मूले को सेलेक्ट करते हैं, F9 की प्रेस करते हैं, ये देखिएगा ऐसे ही चाहिए था आपको, ये देखा ये रिजल्ट में आ रहा है 48। ठीक है, इंटर प्रेस करते हैं तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि यहां पर काफी सारे फंक्शन आपने यूज किया, ये एक एरे फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, इंटर प्रेस करते हैं ये देखिएगा ब्लैंक आ गया। ठीक है, जैसे F2 प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करते हैं, ये देखिएगा आउटपुट आपके सामने आ गया है। ठीक है, अब आप ये भी सोच रहे होंगे ये तो इसने नंबर वैल्यू दे दी है, यहां पर बस आपको यही तो कुछ लॉजिक लगाना है, अब आपको सिर्फ मोबाइल नंबर यहां पर एक्सट्रैक्ट करना है। क्योंकि मान लीजिए इस सेंटेंस में नंबर वैल्यू काफी बार होगी, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं पिन कोड है, फिर मोबाइल नंबर है, लेकिन आपको मोबाइल नंबर आपको मालूम है 10 डिजिट का होता है, वही आपको कुछ यहाँ पर कुछ लॉजिक यूज करना है। काफी सिंपल फंक्शन है, आप सभी को मालूम होगा, राइट और लेफ्ट, मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया, वही आपको यूज करना है। ठीक है, एक काम करता हूं, F2 प्रेस करता हूं, यहां पर आपने यूज करना है राइट हो गया। टेक्स्ट पूछ रहा है, टेक्स्ट में आपने कंप्लीट यही सेलेक्ट करना है, लास्ट में आ जाना है, यहां पर आपने 10 देना है, काम आपका हो गया। ठीक है, फाइनल में आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट इंटर, क्योंकि एक एरे फॉर्मूला है, आपको इंटर प्रेस नहीं करना है। ठीक है, प्रेस करता हूं मैं कंट्रोल शिफ्ट इंटर, ये देखिएगा उसने मोबाइल नंबर ला दिया है, ये देखिए 9898। ठीक है, अगर आप इसी फॉर्मूले को कंट्रोल सी, इसी फॉर्मूले को नीचे भी पेस्ट करते हैं तो बिल्कुल मोबाइल नंबर आ गया। ठीक है, अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और ये जो वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। ठीक है, अगर आपके माइंड में कोई और सवाल होता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, वहां पर आप दीजिएगा, उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।